हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गोभी आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम हलवाई स्टाइल सूखी गोभी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे आधा किलो गोभी ली थी, जिसके मैंने फ्लावरेट निकाल लिए थे, यानी कि गोभी के छोटे छोटे फूल मैंने कट कर लिए थे, और उसको मैंने नमक और हल्दी के पानी में बॉयल कर लिया है। तो एक दो बॉयल आने तक मैंने बॉयल किया, उसके बाद छान लिया, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़ी सी दो हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक जुलियन में काट के रखी है, एक टमाटर लिया बड़े साइज़ का काट के रख लिया है, तीन मीडियम साइज़ के आलू मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हम एक हैवी बॉटम का कढ़ाई या पैन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये हैवी बॉटम का बर्तन लिया है। इसके अंदर सबसे पहले हम ये जो हमारी गोभी है बॉयल की हुई, इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसके अंदर से सारा पानी ड्रेन आउट हो गया है, ये हल्की सूखी सी हो गई है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम ऑयल के अंदर ये डालेंगे और अच्छे से गोल्डन स्पॉट्स आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई करके गोभी को एक दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखिए, गोभी के ऊपर गोल्डन स्पॉट्स आ गए, बस इतना ही फ्राई करना है। इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से फ्राई करके जब आप गोभी को बनाएंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेते हैं। इसी ऑयल के अंदर आलू को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए थे तीन मीडियम साइज़ के आलू, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके पानी से वॉश करके छलनी में रखा हुआ था। तो इसको भी गोल्डन स्पॉट्स आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो आलू को भी निकाल लेते हैं। जो ऑयल बच गया है, इसी के अंदर हम सब्ज़ी बनाएंगे, एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं करेंगे। तीन चार लौंग ऐड किए हैं, एक तेज़पात का पत्ता ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें एक छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और सारे मसालों को थोड़ा सा चटकने देंगे, मसालों का फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ होने देंगे। ऑयल हमने ज़्यादा यहाँ पर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि गोभी को, आलू को हमने फ्राई किया है, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है गोभी के अंदर। तो यहाँ पे ऑयल ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज एक मीडियम साइज़ का लिया है, इसको बारीक चॉप करके डाल दिया मैंने। अब इस प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम एक चम्मच भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो अदरक काट के रखा है उसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें एक चम्मच भर के अदरक लहसुन की पेस्ट डालते हैं और इसे एक डेढ़ मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे इसके कच्चेपन की महक जो है चली जाए। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, तो एक हरी मिर्च और टमाटर दोनों ऐड कर देंगे। तो मैंने दो हरी मिर्च ली थी, उसमें से मैंने एक डेढ़ हरी मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अब जाएंगे इसमें मसाले। तो मसालों में एक छोटी चम्मच भर के मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और इसके बाद जाएगा दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटे चम्मच नमक डाला है, नमक हमने बॉईल करते वक्त भी डाला था, तो इसलिए कम नमक डालना है आपको। दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे इसके अंदर, और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून के बराबर पानी इसमें डाल दिया है। इस पानी की वजह से मसाले बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। ढक करके इसको पकाते हैं दो मिनट के लिए। देखिए, दो मिनट के लिए मैंने अच्छे से पका लिया, मसाला अच्छे से पक चुका है, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे एक चम्मच के बराबर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको मिक्स करेंगे। तो अदरक काट के रखी थी, उसके कुछ जूलियंस यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें आलू और गोभी जो फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आलू गोभी मैंने जो फ्राई करके रखे थे वो, इसमें काफ़ी सारा ऑयल ऑलरेडी है, तो ये ऑयल भी आप साथ में डाल सकते हैं या चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑयल हमने ऑलरेडी इसमें कम रखा है। इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको इस तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि गोभी जो है थोड़ी सी पकी हुई है, हमने इसको बॉयल भी किया है, फ्राई भी किया है, तो इस वजह से थोड़ी पकी हुई होती है, तो हल्के हाथ से आपको मिक्स करना है। यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। इसके अंदर पानी डालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरा हैवी बॉटम का बर्तन है तो इसमें बिल्कुल सब्ज़ी जलती नहीं है। तो मैं इसको ढक कर के चार पाँच मिनट पका लूँगी। आपको लगता है कि सब्ज़ी जल जाएगी तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए 3-4 मिनट मैंने ढक के पकाया, सब्जी हमारी रेडी हो गई। थोड़े से हम अदरक के जूलियन इसके अंदर डालेंगे, आप चाहे तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको एक बार, ये देखिए एकदम खिली खिली और बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी ये गोभी आलू की सब्जी बनी है। इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और इसको एक बार फिर से हम मिक्स कर देंगे। तो बस ये हमारी सब्जी गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे रोटी पूरी पराठा नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की सब्जी बनती है। ड्राई सब्जी है, लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से आप गोभी आलू की सब्जी ज़रूर बनाएं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।